डिस्क्लेमर, शिवचंगा का मालिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो हर एक फ्राइडे की तरह आज के फ्राइडे को भी मैं चला गया था उंकुरहट्टी चेक पोस्ट पे, जहाँ हर शुक्रवार के दिन एक नया पेड मार्केट बैठता है। और आज दोस्तों पहली बार किसी पेड मार्केट पे मैंने अच्छा क्वालिटी का बेटा फिश देखा, साथ ही में वहाँ पे बहुत सारा वेरायटी का डॉग भी सेल हो रहा था। तो डॉग्स का क्या प्राइस है वो आगे बताऊंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं गलिफ स्ट्रीट पे भी घूम के आया हूँ बहुत बार, गलिफ स्ट्रीट में मैं बहुत टाइम तक डॉग जो सेल कर रहा था उसके सामने जाके मैंने देखा है डॉग्स का प्राइस, तो वहाँ के प्राइस से यहाँ का प्राइस बहुत कम है। साथ ही में एक यूट्यूबर दादा से मुलाकात हो गया था, ब्लॉग एंड पेट्स एम्पायर से पोसुंजिता के साथ, उनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे भाई बहुत हाई क्वालिटी का गोल्ड फिश सेल हो रहा था बहुत ही सस्ते रेट पे, उसका प्राइस बताऊंगा। प्लस गप्पी फिश का भी बहुत सारा वेरायटी था, सिर्फ और सिर्फ 6-7 रुपये में आप लोगों को अच्छा खासा क्वालिटी का गप्पी मिल जाएगा, बट इसका जो लाइन है वो पूरा मतलब बिगड़ चुका है। ठीक है, क्या रीज़न है, क्यों सी क्या सीन है, और जो लोग बीडिंग करना चाहते हो यहाँ से गप्पी फिश लेना सही है या गलत है वो आगे आप लोगों को बताऊंगा। प्लस यहाँ पे बहुत सारा मॉलीज भी सेल हो रहा था 2 रुपये करके। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपये का मॉली फिश, सांप जैसा दिखने वाला, आखिर ये चीज़ क्या है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और ये बोल भाई प्लीज़ मत खरीदो, ये बोल अगर कि कोई ने खरीदा है भाई वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो, मैं बोल को मतलब बहुत ज़्यादा चीज है मुझको फिश बोल से। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे फीमेल का पीस भी सेल हो रहा था। और हाँ, आज दोस्तों आप लोगों को फेक रीडोल दिखाऊंगा। जो लोग सोचते हो ना मैं 150 रुपये का रीडोल का बोतल लेता हूँ, दुकान पे 30 रुपये मिल जाता है, तो 30 रुपये का और 150 रुपये का दोनों का डिफरेंस क्या है वो आगे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखते रहो, समझ में आ जाएगा क्या सीन है। मैं एक रीडोल का बोतल सेल करके प्रॉफिट कितना रखता हूँ वो भी बताऊंगा वीडियो में, पूरा वीडियो को देखते रहो समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे वीडो फिश भी बहुत सारा सेल हो रहा था, वीडो फिश का प्राइस भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये से स्टार्टिंग है, बड़ा साइज़ का लोगे तो 7 रुपये करके। और यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का बार्ड्स भी सेल हो रहा था, बार्ड्स का प्राइस बाजरी और फ्रेंच का 250 रुपये से स्टार्टिंग था और चला जाता था भाई हाई क्वालिटी का जो सान कॉइन था वो 22,000 रुपये तक चला जा रहा था। तो सब मछली का प्राइस आगे बताऊंगा। और ये सस्ता वाला बेटा फिश 12 रुपये करके, बाकी वीडो फिश का ये छाट है, वाइट कलर का वीडो फिश नहीं है। क्या दोस्तों छाट होता है और क्या ओरिजिनल होता है वो आगे बताऊंगा। आलमंड लिप भी यहाँ पे सेल हो रहा है, आलमंड लिप का प्राइस क्या है वो भी बताऊंगा। एंड यहाँ पे जो बेटा फिश है ये बेटा फिश के बारे में ही मैं बात कर रहा था, यहाँ पे पहली बार अच्छा क्वालिटी का बेटा फिश मेरे को दिखा, फीमेल बेटा भी आया था बाय द वे, तो क्या क्या प्राइस है वो आगे दिखाऊंगा, समझा दूंगा पूरा। और यहाँ पे सिम्स भी सेल हो रहा था, सिम्प यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मेरे को लगा, आगे बताऊंगा सिम का प्राइस क्या है। बाकी आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहो, जो लोग नया नया मछली पाल रहे हो उनको प्राइस का एक आइडिया मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहो। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर फ्राइडे के दिन यहाँ का ब्लॉग आएगा, प्लस मेरा फार्म का वीडियो तो आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह साइकिल लेके मैं निकल चुका हूँ बस पकड़ने के लिए उंकुरहट्टी पेट मार्केट पे जाने के लिए। तो सोचा कि वीडियो में थोड़ा सा गांव का भी लुक दिखा दूँ, क्योंकि लास्ट नाइट बारिश हुआ था, तो बारिश के बाद हमारा गांव का लुक ही पूरा बदल गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। तो सबसे पहले मैं पूरा चला गया उंकुरहट्टी में बस पकड़ के, साइकिल जमा करके, और जाने के बाद मैं आप लोगों को सीधा दिखा देता हूँ प्राइस वाइज क्या क्या कुछ है। तो 1 फुट बाय 1.5 फुट का जो टैंक आप लोगों ने देखा वो था 450 रुपीज़ का ढक्कन लेकर। और यहाँ पे जो गोल्ड फिश देख रहे हो ये सब ट्राई कलर ओरेंडा है, ट्राई कलर मतलब जिसपे तिल का नल होगा वो, और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हो उसको पांडा बोला जाता है, और सर पे जो लाल टोपी है मतलब उसको रेड कैप बोला जाता है। नॉर्मली आप लोग जानते हो गोल्ड फिश के बारे में, जो प्राइजेस है यहाँ पे जो भी आप लोगों ने देखा वो सब आप लोगों को 300 रुपये करके पीआर मिल जाएगा, जो पैकेट है वो 300 रुपये का है। उसमें 2 मछली है, मेल फीमेल कॉन्फर्म नहीं है, ठीक है पहले ही बोल दे रहा हूँ, बस 2 मछली पीआर के हिसाब से उन्होंने रख दिया है, कोई ये मत समझना कि इसको ले जाकर बीडिंग करूँगा। वैसे भी गोल्ड फिश एक पीआर से बीडिंग नहीं होगा, उसको 10-12 पीस एक साथ झुंड में रखना पड़ेगा फिर वो बीडिंग होगा। और यहाँ पे जो सब आप लोगों ने देखा वो तो बता दिया, ये छोटा वाला जो गोल्ड फिश आप लोगों ने देखा वो 35 रुपीज़ करके था, ये जो आप लोगों ने ब्लैक गप्पी देखा वो 25 करके था, 25 रुपीज़ पीआर, लो क्वालिटी का है बाय द वे बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा मिक्सिंग हो चुका है, उसमें कुछ अलग वैरायटी का भी गप्पी मैंने देखा है। ये बटरफ्लाई गप्पी मिक्सिंग में जो है वो आप लोगों को 3 रुपये करके मिल जाएगा, फीमेल भी आगे दिखाऊंगा 1 रुपये करके है वहाँ पे, तो 1 रुपये का क्या फीमेल गप्पी है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, देखते रहो। फिलहाल यहाँ पे जो आप लोग मॉलीज देख रहे हो, गप्पीज देख रहे हो, सब एक एक पीआर में है। और यहाँ पे जो पीआर आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पे
एक मेल और एक फीमेल ही है, दो मेल या फिर दो फीमेल नहीं है, एक मेल और एक फीमेल ही रखा गया है। जो भी पैकेट आप लोग यहाँ से लोगे वो 20 रुपये का आएगा, मतलब मॉली का एक प्यार लो ले लो या फिर गप्पी का ले लो 20 रुपये आएगा, और यहाँ पे जो मॉली है इनका प्राइस 6 रुपये करके है। ये सब साइज़ में थोड़ा सा छोटा है तो प्राइस भी थोड़ा सा इनका कम है, मतलब आप छोटा मछली लोगे तो कम प्राइस आएगा और बड़ा मछली लोगे तो ज़्यादा प्राइस आएगा, सीधी सीधी बात है। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था लास्ट वीडियो में कि मॉली फिश आपको वहाँ पे कितने में मिलता है, बहुत सारे लोगों ने बोला था 80 रुपये का पीआर, कुछ लोगों ने बोला था 50 रुपये का पीआर। तो आप लोग कमेंट करो भाई आपके वहाँ पे अभी कितने में मिल रहा है, देखना चाहता हूँ मैं, मेरे को इंटरेस्ट है, तो कमेंट करो। और यहाँ पे बहुत सारा मछली का ड्राई आइटम सेल हो रहा है, बोल प्लीज़ भाई कोई अगर बोल खरीदते हो प्लीज़ मत खरीदो, आप लोग एक छोटा सा टैंक खरीद लो 2 फुट का, उसमें बहुत अच्छा मछली रहेगा। फिलहाल यहाँ पे एक जंबो साइज़ का गोल्ड फिश है, ये देखो मेरा हाथ के हिसाब से इसका साइज़ एक बार मेजर करो, आप लोगों को पता चल जाएगा, वो 200 रुपये करके एक एक पीस है, 300 अगर आप लोग पीआर लोगे तो 350 रुपये आ जाएगा एक पीआर का, 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा था। ये जो ट्राई कलर रेंचो आप लोग देख रहे हो वो आप लोगों को 45 रुपीज़ करके मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो आप लोग बार्ब और टेट्रा वेराइटी का मछली का मिक्सिंग देख रहे हो वो आप लोगों को 150 रुपये का पूरा पैकेट मिल जाएगा, कोई अगर प्लांटेड टैंक से रख पाना चाहते हो तो उन लोगों के लिए। फिलहाल ये जो छाट गोल्ड फिश देख रहे हो जिनका सिंगल टेल है, नॉर्मली ये इतना बड़ा साइज़ का हो नहीं पाता है, उससे पहले ही ऑस करके खिला देता है या फिर एरावाना को खिला दिया जाता है, मगर ये बड़ा हो गया है तो 100 रुपीज़ करके पीस में सेल कर रहा है ये अंकल। और यहाँ पे बहुत सारा कार्प है जो कि 8 रुपये करके पीस है, किसिंग गुरामी 12 रुपये करके पीस है, और ये जो गोल्ड फिश देख रहे हो ये सब 45 रुपीज़ करके एक एक पीसेस का है, पीआर लोगे तो आप लोगों को 80 रुपये पे मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड फिश का वही प्राइस था, मगर ये बड़ा वाला जो है वो आप लोगों को 75 करके मिल रहा है, पीआर आप लोगों को 150 में मिल जाएगा। मतलब ये जो अंकल है उन्होंने मेरे को पीआर का प्राइस बोला था, मैं आप लोगों को पीस प्लस पीआर दोनों का प्राइस बता रहा हूँ क्लियर करके। और लास्ट नाइट थोड़ा सा बारिश हुआ था और यहाँ पे बारिश का उतना ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है, भीगी भीगी चीज़ें, मगर थोड़ा सा यहाँ पे सेलर लोग कम आया है आज के दिन में, मगर हाँ फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे जो छोटा गोल्ड फिश देखे वो 1 रुपये का एक पीस है, गप्पी जो है वो 2 रुपये का एक पीस है, और वीडो जो है वो 3 रुपये का एक पीस है, मतलब 1 रुपये का 2 रुपये का 3 रुपये का सबका मछली यहाँ पे मिल जाएगा। और कोरिड कैटफिश 8 रुपये करके एक एक पीसेस का है, होलसेल में कोई अगर 100 पीस ले लोगे तो 5 रुपये करके ये दादा दे देगा बोल रहा था। एंजल भी मिल रहा है 6 रुपये करके, प्लस गोल्ड फिश तो आप लोगों को प्राइस बता दिया हूँ। ये देखो जो मिक्स गप्पी है उनके पास स्टॉक भरा पड़ा है, कितना चाहिए भाई, जो सब दुकानदार हो यहाँ पे आ जाओ, रिटेल कस्टमर के लिए यहाँ पे और भी मछलियाँ है वो आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे जो प्लांट सेल हो रहा है उसका प्राइस है 4 रुपये करके एक एक स्टेम, और वाटर लिली का जो सीड आप लोगों ने देखा ब्लैक ब्लैक कलर का वो 20 रुपये का एक एक सीड है। और ये जो अंकल अभी मछली दिखा रहा है ये मछली है गप्पी का ही है, ये गप्पी पूरा पैकेट सेल कर रहा था, प्राइस मेरे को बोला कि 150 रुपये का पैकेट, मैंने उनको ज़्यादा पूछा नहीं कि पीसेस का क्या है, वो पैकेट खोल के मछली नहीं देगा, अगर आपको चाहिए तो पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। बाकी पहले जो सब लोगों को मैंने दिखाया वो सब पैकेट खोल के मछली देने के लिए राजी है, यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों को पैकेट लेना पड़ेगा, सिंगल मछली भी ले सकते हो, बस कुछ लोग ऐसा मना करता है। और यहाँ पे जो बेटा फिश देख रहे हो 12 रुपये से 15 रुपये के बीच में प्राइस है, जो लोग है उसके हिसाब से, तो 12-15 रुपये का बेटा फिश आप लोग क्वालिटी तो देखे कैसा है, वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नो कॉमेंट ऑन दिस क्वालिटी, ठीक है। फिलहाल ये जो आप लोग देख रहे हो ये विडो टेट्रा का छाट है, व्हाइट कलर का विडो टेट्रा नहीं है दोस्तों, ये विडो कलर विडो टेट्रा का छाट है जिसमें कलरेशन नहीं आया है, वो 3 रुपये करके पीसेस है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये रेड ज्वेल है, रेड ज्वेल भी आप लोगों को मिल जाएगा, 80 रुपये करके पीस है, अगर पीआर लोगे तो 150 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉली है ये देखो, ये थोड़ा सा रेयर है, भेल टेल डालमिशियन मॉली, मैंने बहुत कम देखा है ये, तो ये भेल टेल में मिला है, लैट टेल जिसको बोला जाता है वो भी आप लोगों को 20 रुपये करके पीआर मिल जाएगा। सोटेल जो सब देख रहे हो वो 22 रुपये करके पीआर है, अगर ज़्यादा लोगे तो और भी कम हो जाएगा, होलसेल में ये लोग डील करता है, अभी रिटेल के लिए यहाँ पे बैठा है, तो होलसेल जो लोग लेना चाहते हो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। ये सब जो मॉली आप लोगों ने देखा ये सब 6 रुपये करके पीस है, बाय द वे 50 पीस लोगे तो 4 रुपये करके ये लोग दे देगा, ठीक है, मतलब होलसेल जो लोग खरीदने चाहते हो उन लोगों के लिए भी मैंने प्राइस वीडियो में ही बोल दिया। बाकी यहाँ पे जो जंबो साइज का गप्पी देख रहे हो ये बीडिंग का तो कुछ काम नहीं है, मगर प्राइस बता दे रहा हूँ, तो जो प्राइस है इनका 30 रुपीज करके पीआर है। तो वीडियो के बीच में मैंने एक बार कट लगाया था वॉइस ओवर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लोग अभी जो पूजा है वो दे रहा है शाम के टाइम पे, तो बार बार साख जो है वो बज रहा है, बार बार हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत ढाई वाई बज रहा है, तो वीडियो के बीच में एक दो कट आप लोगों को दिख सकता है, ठीक है।
फिलहाल ये सब जो गप्पीज देख रहे हो 20 रुपए वाला पैकेट है यहाँ पे, जो 20 रुपए वाला पैकेट आप लोगों को पहले दिखाया था एक एक पेयर गप्पीज का, वही वाला पैकेट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे और भी ये देखो भाई कितना छोटा छोटा गोल्ड फिश है। ये सब गोल्ड फिश नॉर्मली कुछ मछलियों को खिला दिया जाता है ऐसे ईल को ऑस्कर्स को, मगर ये सब सेलिंग के लिए लाया गया है 1 रुपए का पीसेस था। और ईल फिश ये जो दिखा रहा हूँ ईल, ये ईल का नाम मेरे को नहीं पता है, ईल मतलब ये जो सांप जैसा दिखने वाला मछली है उसको ईल बोला जाता है, वो 100 रुपीज़ का एक पीस था। और ईल का बहुत सारा वेराइटी होता है, ये कौन सा वेराइटी है मेरे को थोड़ा सा छानबीन करना पड़ेगा। जो सेलर है वो भी बोल नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है कि ईल फिश, ईल फिश नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, ईल का एक वेराइटी होता है। और यहाँ पे जो लॉबस्टर है वो 300 रुपये करके पेयर था, लॉबस्टर का प्राइस मेरे को बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। नॉर्मली लॉबस्टर 110-112 रुपये करके होता है, 110 या फिर 120 रुपये करके, उससे ज़्यादा नहीं होता है, बट यहाँ पे 300 रुपये का पेयर है, मतलब 150 रुपये से एक पेयर है एक पीस है, तो 30-40 रुपये ज़्यादा मेरे को लगा। फिलहाल यहाँ पे जो प्लैटिनम एंजल देख रहे हो ये 12 रुपये करके पीस है। मेरे को पता है भाई जो लोग दिल्ली के साइड से देख रहे हो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दिल्ली के साइड से बोलो या फिर गोवा बॉम्बे और बाहर से जो लोग देख रहे हो उनके यहाँ पे भाई एक एक एंजल फिश का पेयर ये छोटा वाला साइज़ का ही आप लोगों को मिलता है करीब करीब समझो 80 रुपये से स्टार्टिंग करके 120 रुपये करके। तो आपके वहाँ पे जो सेलर से हमारे यहाँ से कोलकाता से मछली मंगवा के आप लोगों को सेल करता है तो उन लोगों को भी प्रॉफिट चाहिए है ना, उनका भी बीबी बच्चा है, वो लोग तो फालतू में बिजनेस नहीं करता है, तो इसलिए प्राइस ज़्यादा होता है। दुकानदारों को गाली मत दिया करो तुम लोग, मेरे वीडियो में आके बहुत सारे लोग दुकानदारों को उल्टा सीधा बोलते हो, ऐसा सीन नहीं है भाई, उन लोगों को प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो गप्पी फिश देख रहे हो ये सब गप्पी फिश थोड़ा सा हाई प्राइस का है, ये सब गप्पी फिश 150 रुपये करके पेयर है। ये जो अलवाई ने फुल रेट देख रहे हो ये भी 150 रुपये करके पेयर है, बट आप लोग क्वालिटी देखे क्वालिटी अच्छा था। और यहाँ से आलमंड लिप भी आप लोग ले सकते हो, बेटा फिश कोई अगर खरीदते हो तो डायरेक्ट आलमंड लिप यहाँ से खरीद सकते हो। सॉल्ट भी सेल हो रहा है और बेटा फिश का क्वालिटी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, पहली बार यहाँ पे उंकुराटी में अच्छा क्वालिटी का बेटा फिश मेरे को दिखा। अच्छा क्वालिटी का ये जो सब बेटा फिश देख रहे हो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा 150 रुपये से शुरू करके 300 रुपये तक, मतलब 150 रुपये जो बोल रहा हूँ मतलब 150 रुपीज़ बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मादर लैंग्वेज तमिल तेलुगु है तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा 150 का मतलब, तो मैंने समझा दिया 150 मतलब 150, तो 150-300 के बीच में है ठीक है प्राइस बेटा फिश का। यहाँ पे फीमेल बेटा भी मिल जाएगा, फीमेल बेटा 100 से स्टार्टिंग है, 200 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। कैंडी वैंडी का थोड़ा ज़्यादा है, सॉलिड कलर वही का थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से फीमेल मेल बोथ आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई एक बंगाली घर में अगर शाम के टाइम पे वीडियो में वॉइस ओवर करोगे यही प्रॉब्लम आएगा, बार बार वीडियो को स्टॉप करके फिर से वॉइस ओवर देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पूजा हो रहा है तो सब घरों से आवाज़ आ रहा है, इसीलिए वॉइस ओवर में थोड़ा सा कट आप लोगों को दिख सकता है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वॉइस ओवर करके वीडियो बनाने का ताकि आप लोगों को प्रोफेशनली वीडियो में दे पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे जाके अगर आप मैं डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा सेलर से बात करते करते तो बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा, इसीलिए मैं उस तरीके से वीडियो बनाता नहीं हूँ, शोर शराबे से दूर होकर मैं आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा लगता है मेरे को कॉमेंट करना। बाकी यहाँ पे जो श्रिम्प्स आप लोग देख रहे हो, श्रिम्प्स का जो पूरा पैकेट है वो आप लोगों को 150 रुपये करके मिल जाएगा, मगर यहाँ पे मेरे को कॉन्फ्यूजन थोड़ा सा ऐसा हुआ, किसी में 2 पीस है, किसी में 3 पीस है, किसी में 4 पीस भी है, तो प्राइस कैसे समझे मेरे भाई मेरे को पता नहीं है। यहाँ पे फिलहाल 150 रुपये का एक एक पैकेट उन्होंने बोला, और जो गप्पी ग्रास है वो 50 रुपये का एक पैकेट है, और मैं तो भाई गप्पी ग्रास आप लोगों को फ्री में देता हूँ पैकेट में। फिलहाल जो लोग खरीदना चाहते हो यहाँ से आके खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे साथ हमेशा तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो आप लोग खरीद सकते हो। और यहाँ पे कुछ एल्गे ईटर भी है, एल्गे ईटर जो है वो यहाँ पे 22 रुपये करके सेल हो रहा है। यहाँ पे भी लॉबस्टर है, यहाँ पे लॉबस्टर का प्राइस 110 रुपये करके है, मैंने बोला था ना लॉबस्टर का प्राइस नॉर्मली कम ज़्यादा होता रहता है, तो यहाँ पे 120 रुपये 110 रुपये में मिल जाएगा, वहाँ पे 300 रुपये का पेयर था। यहाँ पे जो गप्पी आप लोगों ने देखा वो गप्पी आप लोगों को 6 रुपये का पीस मिल जाएगा, इसका प्राइस भी 6 रुपये का ही है, दोनों सेम ही है, एक में 100 पीस है एक में 50 पीस है, उसके हिसाब से प्राइस है, और इसमें थोड़ा सा और भी कम है, तो जिसको जैसा चाहिए उस हिसाब से इन्होंने रखा है प्राइस। और बार्स के ऊपर थोड़ा सा हम लोग अभी बढ़ते हैं वीडियो में, आगे आप लोगों को खरगोश का प्राइस मतलब रैबिट का प्राइस, डॉग्स का प्राइस, कैट का प्राइस वो सब बताऊंगा, फिलहाल पक्षियों का मतलब बार्ड्स का क्या प्राइस है वो बता देता हूँ। तो जो सब फ्रेंच देख रहे हो, बजरीज देख रहे हो, वो सब 250 से स्टार्टिंग है, हाई क्वालिटी जो है वो होता है आप लोगों का 450 के अराउंड। ये जो कोयल देख रहे हो, कोयल ही एक्चुअली मैं इसका नाम शायद से सही बोल रहा हूँ, तो वो कोयल पक्षी आप लोगों को 200 रुपये में एक एक पीस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बजरीस का भरमार है पूरा, और भी यहाँ पे बहुत सारा लाभबर्ड भी था, लाभबर्ड आप लोगों को 1200 रुपये से 4000 रुपये के बीच में मिल रहा था, और भी महंगा है, क्वालिटी के ऊपर आप लोगों को डिपेंड करता है, 1200 वाला
का ख़राब क्वालिटी का नहीं बोलूँगा, अच्छा क्वालिटी का है मगर लो क्वालिटी का है, ठीक है। मतलब पक्षी के हिसाब से देखोगे तो 4000 का बढ़िया है, 1200 रुपये का कम बढ़िया है, ऐसा मतलब समझ सकते हो। बाकी मेरे को पक्षी के ऊपर उतना भी बढ़िया नॉलेज नहीं है, मगर जितना भी है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रैबिट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ करके है, 100 रुपये का एक पीस, तो इनका शायद से घर का ब्रीड का हो सकता है, इतना इस सस्ते में दे रहा है इसीलिए, क्योंकि 100 रुपये में एक पीस रैबिट देना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे सान कोनियर है, ठीक है ना, सान कोनियर में सही बोल रहा हूँ या नहीं बताना मेरे को कमेंट में, 22,000 रुपये करके इन्होंने पीआर बोला था, ठीक है, विथ सर्टिफिकेट। और यहाँ पे पक्षियों के फिर से भाई पूजा हो रहा है, ठीक है, आप लोग इग्नोर करो वो बैकग्राउंड साउंड को, मैं बार बार वीडियो में कट नहीं लगाने वाला। पक्षियों के पैरों में जो घुमरू है आप लोगों जानते हो, रिंग लगाया जाता है पक्षियों के पैरों में, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। वो पैकेट के हिसाब से सेल हो रहा था, वो प्राइस मैंने पूछा नहीं। यहाँ पे पक्षियों का खाना भी सेल हो रहा है, खाने का प्राइस बाय द वे 300 रुपये से केजी है, और जो आप लोग ज़्यादा महंगा कुछ सीड्स वगैरह लोगे तो वो 1200-1300 रुपये का केजी भी आ जाएगा। और यहाँ पे पिंजरा भी सेल हो रहा है, जो केज है बार्ड्स का वो केज भी सेल हो रहा था। और यहाँ पे देखो कितना सारा मतलब पक्षियाँ ही पक्षी है। और ये देखो वहाँ पे पोषणजिद्धा मेरे को हाई कर रहा है, बोला कि पहचान रहे हो मेरे को, तो मैंने बोला भाई ना पहचानने की क्या बात है, हमेशा पहचान जाऊंगा जब भी मिलोगे। तो चलो भाई पोषणजिद्धा से मैंने जो इंटरव्यू लिया है वो आप लोग सुन लो, उसके बाद वीडियो में बात करेंगे। तो जो सब लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो दादा को तो जानते ही हो, दादा कुछ बोलो तो हिंदी में, हाँ हिंदी में बोलो ना। तो सब लोग कैसे आशा करता हूँ भाई का जो चैनल में जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, और जो पीसेस का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन दिखा रहे हैं। तो भाई को सब लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। मेरा भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका भी वीडियो मिल जाएगा और डॉग का भी वीडियो मिल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है ब्लॉगर फिक्शन पर, और भाई का जो जो चैनल है सबको सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, और आप सबको इन्फॉर्मेशन भाई देते रहेंगे चैनल में जुड़े रहेंगे। तो प्रसन्नजीत दास से ये मेरा पहला मुलाकात नहीं है, इससे पहले गालिब स्ट्रीट में एक बार मुलाकात हुआ था, और ये वाइट वाला टर्की आप लोगों ने देखा वो मैंने प्राइस पूछा नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था प्रसन्नजीत दास से पहली बार मुलाकात नहीं है, सेकंड बार मुलाकात हो रहा है। एंड यहाँ पे एक और यूट्यूबर आया था आर एस एक्वेरियम का जो ओनर है वो आया था वीडियो बनाने के लिए बर्धमान से हमारे यहाँ पे, समझो भाई कितना दूर, सुबह मतलब निकला है 5 बजे के टाइम पे। तो उनका चैनल का इंटरव्यू मैंने दिया है, मतलब मैंने मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया है, तो उनका चैनल पे मेरा इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं उनके साथ एक वीडियो बना पाऊँ उससे पहले ही वो निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है घर, तो निकल गया था। खैर ये छाता गिर रहा था, मगर ये जो पार्सियन कैट है उसका प्राइस आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। ये जो पार्सियन कैट है ये दादा लिया है, ये दादा इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने वहाँ से सुन लिया था, 20,000 रुपये का मिल रहा है पार्सियन कैट। और यहाँ पे एक सिरजू सोया हुआ है, गर्मी के कारण इनका हालात थोड़ा सा ख़राब है, अभी दिन जितना आगे जा रहा है उतना गर्मी आ रहा है, तो हालात थोड़ा सा ख़राब है ये सब चीज़ों का। तो सिरजू का जो प्राइस है यहाँ पे 22,000 से छोटा पप्पी मिल जाएगा, एडल्ट लेना जाओगे तो 50,000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो पप्पी लेना ही सही रहेगा मेरे ही ख्याल से। बाकी यहाँ पे बहुत सारा पार्सियन कैट्स भी है, पार्सियन कैट्स का प्राइस पूरा फिक्स लगा मेरे को, जो बड़ा साइज़ का है वो आप लोगों को 20,000 रुपये में मिल जाएगा, छोटा साइज़ का अगर लेना चाहोगे तो 12,000 रुपये के बीच में आएगा, समझो 20,000 बड़ा साइज़ का, 12,000 छोटा साइज़ का। यहाँ पे और भी बहुत सारा डॉग सेल हो रहा है, तो डॉग्स का प्राइस की बात करें यहाँ पे कम से कम जो छोटा वाला डॉग है जो आप लोगों को सबसे सस्ते में मिल जाएगा, लैब का बच्चा मतलब लैब्राडोर का बच्चा, तो वो आप लोगों को 8,000-6,000 ऐसे में मिल जाएगा। और जो महंगा वाला है सिडजो टॉयपॉम, आप लोगों को टॉयपॉम का वीडियो भी दिखाया था, तो वो सब आप लोगों को 1,00,000 तक चला जाता है, समझो भाई 1,00,000 रुपये एक डॉग के लिए। तो यही सब भाई है, मतलब बांग्ला में एक कहावत है शौखेर दाम लाख टका, मतलब अपना जो शौक है उसका प्राइस ही 1,00,000 रुपये रहता है। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे, अरवाना लोग जब खरीदते अपने शौक अपने हॉबी के लिए ही खरीदता है 1,00,000 रुपये का अरवाना, तो यही सीन है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं भाई, लोग अपने शौक के लिए कुछ भी दे देता है। फिलहाल यहाँ पे मछली के बारे में फिर से बात करते हैं, जिसके बारे में मेरे को A to Z नॉलेज है, डॉग्स कैट्स बर्ड्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट मछली के बारे में प्लांट्स के बारे में मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है। तो यहाँ पे मछली का प्राइस तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ, बाकी ये टाइगर बर्ड आप लोगों को 12 रुपये करके मिल जाएगा पीसेस का, एक डजन लोगे मतलब 12 पीस अगर लोगे तो 100 रुपीज़ का आएगा, 10 रुपये करके आ जाएगा समझो एक एक पीसेस का। तो और यहाँ पे बहुत सारा खाना भी मिल रहा है मछलियों का, जो कि मैं नॉर्मली आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। फिलहाल यहाँ पर टॉय सेल हो रहा है, जो एक्वेरियम डेकोरेशन वाला टॉय है वो आप लोगों को 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 300 रुपये तक चला जाता है। अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की, देखो भाई ध्यान से यहाँ का चीज़ देख लेना, यहाँ से मैंने अंकल को दो जो रिडॉल का मिथनिल ब्लू है
मतलब वीडियो आप लोगों को लग रहा होगा, अभी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा सीन क्या है। वो अंकल अभी निकाल रहा है दिखाने के लिए मेरे को, ठीक है मैं खरीदूंगा नहीं, पहले ही बोल दिया था, वो मेरे को वीडियो में दिखा रहा है। और ये तो भाई कचरा का कचरा है, ये कभी मत खिलाना भाई, ये ब्रांड का खाना सबसे कचरा होता है। ये देखो मैं सिंगापुर वाला आप लोगों को दिखाता हूँ ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ रिडॉल है, नीचे कोलकाता लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना कितना लो क्वालिटी का है। मैं उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ, वो लचक रहा है उसका प्लास्टिक। मेरा जो सिंगापुर वाला रिडॉल होता है उसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो भी नहीं टूटेगा। यही होता है 150 रुपये का और 30 रुपये का, दोनों का डिफरेंस। मैं जो आप लोगों को सिंगापुर वाला रिडॉल देता हूँ वो 150 रुपये का लेता हूँ, उससे ये कोलकाता वाला रिडॉल 100 बॉटल बन जाएगा, मतलब 100 बॉटल बन जाएगा। तो सोचो भाई प्राइस के ऊपर आप लोग जज करते हो। तो मेडिसिन आप लोग अच्छा यूज़ करो अपने मछली को अगर बचाना चाहते हो तो, अगर मेडिसिन सस्ता ढूंढ रहे हो उससे अच्छा है कि कोई मेडिसिन ही ना यूज़ करो, फालतू में आपका पैसा वेस्ट होगा ये 30 रुपये के चक्कर में, सोचो। तो मैं जो प्राइस बोल रहा था ना, मैं नॉर्मली रिडॉल खरीदता हूँ सिंगापुर से, जब मैं इंपोर्ट करता हूँ 105 रुपये करके मेरे को खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट विम्पोर्ट सब कुछ लगा के, समझो एक एक पीस रिडॉल का मेरे को लग जाता है 120 रुपये करके, और 30 रुपये मैं प्रॉफिट रखता हूँ 150 रुपये करके आप लोगों को सेल करके, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में ही एक पूरा साबुत रिडॉल का बॉटल लोग सेल कर रहा है। तो सोचो भाई 30 रुपये में क्या ही होगा, मैं 30 रुपये प्रॉफिट रख के सेल कर रहा हूँ, वो 30 रुपये में पूरा बॉटल दे रहा है। तो यही होता है भाई मेन चीज़। चलो आप लोगों को मैंने आज बोल लिया मेरा प्रॉफिट कितना होता है एक रिडॉल के बॉटल में, ऐसा कोई सेलर बोलेगा नहीं बाय द वे, मैं ही ऐसा एक सेलर हूँ जो अपना प्रॉफिट भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। चलो भाई आप लोग वीडियो को एंड स्क्रीन तक देख रहे हो तो थैंक यू इतना एंड तक देखने के लिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन पे। अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चम्मच लिख देना कमेंट सेक्शन पे, चम्मच मेरे हाथ में है तो चम्मच